वंदे मातरम वंदे गौ मातरम वंदे वृक्षम। मेरे साथ हमारे आदरणीय बड़े भाई दीपक चौधरी जी हैं, जो पिछले 12 साल से प्रकृति खेती कर रहे हैं और काफ़ी इनका मार्गदर्शन हमको रहता है। तो आज हम लोग भस्म रसायन बनाने वाले हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भंडार है। देखिए 1970 के बाद हमारी ज़मीन में सिर्फ नाइट्रोजन की कमी थी, बाकी पूरे 108 तक पूरे मल्टीविटामिन थे। लेकिन जिस तरीके से रसायन और जिस तरीके से ये जहरीले रसायनों का प्रयोग होता गया, हमारी ज़मीन में हर चीज़ की कमी होने लगी। तो आज की रेट में हम लोग को ये समझना चाहिए कि जो हमारा भाई साहब से भी डिस्कशन होगा कि हम प्राकृतिक रसायन के तरीके से मल्टी न्यूट्रिएंट्स हमारी ज़मीन को कैसे दे सकते हैं और बहुत कम उसमें। तो इसके लिए जो भस्म रसायन है ये साक्षात अमृत है, और कैसे हम प्राकृतिक तरीके से भस्म बना के, क्योंकि भस्म में इतनी ताकत होती है कि इसका 100 ग्राम भस्म 10 एकड़ के लिए हो सकता है, मतलब इतनी ताकत होती है इसमें। तो आज हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए हमारे पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा 97% बने रहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, है ना दीपक भैया? इसका जो सेकंड हमको लगता है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और फास्फेट। फिर तीसरा जो हमको बहुत ना के बराबर में लगता है वो हमको लगता है कैल्शियम, सल्फर और आपका कैल्शियम सल्फर और मैग्नीज। बाकी जो 99 तत्व बचे वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, कितने में लगते हैं भाई साहब? वो लगभग 0.1 के बाद आता है, 0.1 कुछ में लगते, मतलब हाँ, बहुत नाके रवार। लेकिन उनका जमीन में रहने से हमारे को उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है और हमें बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। तो ये हम एक आपको वैज्ञानिक तत्व में बात कर रहे थे। तो आज हमको आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे आप भस्म रसायन बना सकते। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए हरड़ है। हमारे अष्टांग हृदय में लिखा है कि हरड़ अगर व्यक्ति खाए तो 100 साल तक की उम्र पा सकता है। इसमें इतनी ज्यादा मात्रा में आयरन होते हैं, क्यों भाई साहब जी? और क्या रहते हैं इसमें, बताइए आप? इसमें 5 तत्व रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी, जैसे कि संपूर्ण तत्व रहते हैं इसमें। इसमें खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा और कसेला, ये सब होते हैं जो कि मतलब जो षड्रस है, जो 5-6 रस कहा गया है, तो 1 रस बस कहा, बाकी कंप्लीट है लगभग। तो बहुत, मतलब आप ये मान के चलिए कि 5 रस बहुत कम उसमें होते हैं। इसमें आमले में भी वैसे 5 रस होते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आयरन की कमी दूर करता है। जो आज सब चीज, अगर आपकी ज़मीन में आयरन की कमी होगी तो उसमें इल्ली आएंगी, उसमें बीमारियां आएंगी, और ये जितने सूक्ष्म तत्व है उसकी कमी आएगी तो वायरस भी आएगा। तो ये आयरन के लिए और मल्टी विटामिन के लिए हम लोग डाल रहे हैं। इसको हम लगभग डाल रहे हैं 100 ग्राम। ये हमारा है गाढ़ा वाला नमक, जिसको हम 10 किलो डाल रहे हैं। इसका बताइए भाई साहब थोड़ा सा। ये नमक जो है ये समुद्री नमक है। इसमें भी लगभग 84 प्रकार के, जो जिसमें मैंने बताया था अभी आपको कि जो 90.99% जो है वो इसमें आता है। तो इसमें भी 84 प्रकार के बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं, मतलब मल्टी विटामिन हाँ, पाए जाते हैं। या तो इतना इसको हम सबसे ज़्यादा डालेंगे भैया, उसका वो भी ला देना नारियल का वो। अब ये हमारा हो गया 100 ग्राम, ये हमारा हो गया 10 किलो, ये हमारा है सुहागा। सुहागा भी हमको लगभग 50-100 ग्राम डालेंगे इसमें हम। ये देखिए मटकी है, ये लाइव आपको दिख रही है मटकी, ये मटकी में हम इसको डाल के वो करेंगे। तो ये सुहागा के बारे में बताइए किसमें इस क्या मात्रा रहती है इसमें? सुहागा की मात्रा भी सेम रहेगी, लगभग हम लोग 50-100 ग्राम डालेंगे इसमें। इसका उपयोग, ये फूल जाता है, जैसे हम इसको रखेंगे फूल जाएगा। तत्व कौन सा तत्व इसमें? बोरान, सबसे ज़्यादा बोरान पाया जाता है। जब फल जब फटते हैं, जैसे कि ठंडियों में फल फट जाते हैं, तो उसका स्प्रे किया जाता है इसमें। तो एक तत्व और बोलते हैं मोलिब्डेनम बोलते हैं, और बोरान प्लस इसमें ये मात्रा कंप्लीट करता है। तो ये बोरान की मात्रा होती है जो हमारे फल को मजबूत बनाने का काम करती है। ये हो गया हमारा गेरू। गेरू जो हम घर में पोतते हैं, ये भी लगभग 50-100 ग्राम हम लेंगे। इसका बताइए भाई साहब। गेरू जो है, गेरू का उपयोग इसमें किया जाता है मैग्नीज, जो हमारा जो तीसरा तत्व पाया जाता है सबसे ज्यादा मैग्नीज, इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम जो बहुत मात्रा में पाया, ये इसका उपयोग इसमें हो रहा है मैग्नीज। और दूसरा जो सबसे ज्यादा पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियम जो लाल मिट्टी होती है उस पर बहुत कम मात्रा में होती है, और कैल्शियम अपने आप में बहुत शक्तिशाली है जो पेड़ को मजबूत करने का काम करता है। तो ये भी लगभग हम 100-150 ग्राम डालेंगे इसमें। अब यह है गंधक। ये देखिए
ये गंधक है, इसका बताइए भाई साहब आप थोड़ा। गंधक ये जो है, गंधक का इस्तेमाल इसको पहले इसमें क्या पाया जाता है ये बताइए आप। गंधक में इसको सल्फर जो बोलते हैं हम लोग, सल्फर जो तीन चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीज। तो ये तीन चीज इसको भी लगभग हम 100 ग्राम लगभग डालेंगे, 100 ग्राम लगभग डालेंगे इसका उपयोग भी हम। सबसे ज्यादा इसका उपयोग गंधक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ठंड आता है, ठंड में क्या करते हैं कि जैसे कि अगर पाला पड़ गया तो हीटिंग के लिए तुरंत ये जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आजकल लिक्विड फॉर्म में भी आ गया है, ये इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि ठंड ज़्यादा ना रहे इसमें। तो देखिए जो ये भस्म रसायन है इसमें फिर ये है नीला थूथा, ये देखिए आप इसके बारे में बताइए भाई साहब। नीला थूथा ये भी प्राकृतिक है जो जमीन से निकलता है, तत्व इसमें इसको अगर नीला थूथा को बोलेंगे अंग्रेजी में तो कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर की मात्रा, हाँ जितने भी आपको बता दूँ कि M45 या जो फंजीसाइड जो बनाते हैं, जितने ही फंजीसाइड है इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो आज आपको लाइव दिखाया जा रहा है, और ये है नारियल की खोल जो इसमें बॉन्डिंग बनाती है, जो ये तत्व भस्म बनेगा एक दूसरे से जुड़ के ये मल्टी विटामिन का खजाना बन जाएंगे, मल्टी न्यूट्रिएंट्स का खजाना बन जाएंगे। तो ये नारियल की खोल अपने आप में अमृत है, इसको श्रीफल भी कहा जाता है। अंदर का फल हमारे शरीर के लिए काम आता है और बाहर का फल खेती के लिए वरदान है, बॉन्डिंग के लिए वरदान है, और इनको मल्टी न्यूट्रिएंट का खजाना बना देंगे। तो ये देखिए गेरुए से हमारी मैग्नीज मिल जाएगी, ये भी हमको लगभग 50 से 100 ग्राम डालना है। ये हमारा सुहागा है, इससे हमको बोरान मिल जाएगा। ये हमारा कैल्शियम है, इससे हमको कैल्शियम मिल जाएगा। ये जो सबसे ज़्यादा लगता है सल्फर, ये जो हमारा गंधक है इससे हमको सल्फर मिल जाएगा। इसमें हमको सबसे ज़्यादा आयरन और बहुत प्रकार की हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, जिसको हम हरड़ कहते हैं, ये भी 100 ग्राम, लगभग 10 किलो, जिसमें कितने प्रकार के बताए थे भाई, 84 प्रकार के इसमें मल्टी विटामिन्स पाए जाते हैं। ये जो गड़ा वाला नमक होता है और ये नीला थूथा। तो ये देखिए लाइव हम आपको अब दिखा रहे हैं। भैया आ जाइए, मुकेश भैया, राजेश भैया इधर आ जाइए। ये देखिए इसको लकड़ी से हम पका रहे हैं, इसमें ये हम सब चीजें डालेंगे। खोलिए इसको जरा, तो वो नमक डालिए पहले पूरा लेके। ये लगभग 10 किलो हम इसमें नमक डाल रहे हैं, डालिए। ये हरड़ ला लीजिए आप, ये देखिए इसमें हम लोग ये हरड़ डाल रहे हैं। अब इसमें हम 10 किलो नमक डालने के बाद, 100 ग्राम हरड़ डालने के बाद हम 100 ग्राम नीला थूथा डाल रहे हैं। डाल दीजिए, इसके बाद लगभग हम 100 ग्राम गेरू, लाल मिट्टी या जो भी आप इसको कहते हैं, ये हम डाल रहे हैं। अब इसमें हम सुहागा डाल रहे हैं, बोरोन की मात्रा, और इसमें अब हम चूना और सल्फर, मतलब गंधक और चूना डाल रहे हैं। और इसके बाद इसमें हम लगभग इनकी बॉन्डिंग बनाने के लिए, इनकी शक्ति बढ़ाने के लिए, और इसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स का खजाना बनाने के लिए इसमें हम लोग ये लगभग 1/2 किलो नारियल का ये डाल रहे हैं। अभी यहाँ से थोड़ा पास से दिखा दीजिए आप, ये ऐसा डाल के लकड़ी से हिला देना इसको भी एक बार, लकड़ी से हिला दो एक बार। डालो ना, गो डालना, नापी लाया इसको, डालो कुछ ये नहीं डालते क्या तुम, सही सकते
आयुर्वेद में इसको कहा गया सबसे पथ्याना, मतलब ये किसी के भी पेट में जाएगी, जमीन में जाए, व्यक्ति के शरीर में जाए, कभी नुकसान नहीं करेगी। आइए, तो जैसे हमने बताया, अब इसको ढक के रख देंगे हम लोग। भैया इसको ढक दीजिए और लकड़ी आग दी। तो अब इसको हम लगभग 2 से 3 घंटे पकाएंगे, चेक करते रहेंगे। जब ये पूरी तरीके से राख बन जाए 3 से 4 घंटे में, अच्छा लकड़ी में पकने के बाद इसको मिट्टी के बर्तन में पकाएंगे। तो हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फास्फेट के बाद जिस चीज़ की मल्टी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जो हमारे छोटे किसान या प्राकृतिक तरीके से डालने के लिए जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ये लगभग हमारा घोल तैयार हो गया है लगभग 15 किलो का। और ये 15 किलो का घोल हमारे 100 एकड़ के लिए हो गया है। मतलब किसान इसको 3 बार इसको डाल सकता है। इसको हमको क्या करना है, 100 ग्राम लेना है आपको, 200 लीटर पानी में लेना है, और चाहे तो अब अग्निहोत्र भस्म के साथ या उसके साथ इसको 3 दिन के लिए इसमें डुबो देना है। 3 दिन के अंदर इसका पूरा अक्ष उसमें आ जाएगा। और आप अगर चाहे अमृत पानी, जीवामृत, जिसके भी साथ आप स्प्रे कर सकते हो, नेचुरल, इसको आप नेचुरल स्प्रे करेंगे तुरंत पेड़ में चमक आ जाएगी, तुरंत आपकी जितने जो भी फसल उसमें चमक हो जाएगी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूरी कमी पूरी हो जाएगी। तो सोचिए इसको लाने का मात्र खर्चा है हमारा 800 रुपया, 700 से 800 रुपये का खर्चा, लगभग 100 एकड़ के लिए आपकी 15 किलो भस्म रसायन तैयार हो गई। और पहली बार डालने से ही चाहे आपके पेड़ हो, चाहे आपके पौधे हो, चाहे आपका गेहूं, धान, जिसकी भी फसल हो, उसके लिए ये साक्षात चमत्कार हो जाएगा। थोड़ा दीपक भी ये बता रहे थे हरड़ के बारे में कि पेट में जाती अमृत हो जाती है। तो मैं एक ही चीज़ हमेशा कहता हूँ कि हमारा शरीर पंच तत्व का बना है, पेड़ पौधे पंच तत्व के बने हो, फूल हमारे पेड़ पौधे भी पंच तत्व के बने, धरती माता भी पंच तत्व की बनी है। तो जो भी चीज़ हम अपनी धरती माता में डाल रहे हैं, जो हमारे शरीर के अमृत है, वही हमारे पेड़ पौधों के लिए अमृत है और वही हमारे धरती माता के लिए अमृत है। बताइए दीपक भैया कुछ। अभी तक ही जो है उसको आयुर्वेद में माता का स्थान दिया गया है। अगर किसी की माता नहीं है तो माता का स्थान उस हरी तकी को दिया। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है, उसको चटा के चटा देते हैं या उसका रसायन बनाते हैं, तो जिस किसी की पेट में जाएगी, चाहे मनुष्य के पेट में जाए या धरती माता के पेट में जाए, उसको कभी नुकसान नहीं करेगी। एक प्रकार से माता कुपित हो जाएगी, मगर हमारी जो हरी तकी है वो कभी कुपित नहीं होगी, मतलब वो फायदा ही करेगी, नुकसान कभी नहीं करेगी। तो आज आपको हम लाइव भस्म रसायन बता रहे हैं। ऐसे बड़ा मटका लाना है, ऐसे ही लकड़ी के उसमें इसको बढ़िया चुरा के 3 से 4 घंटे में, 4 घंटे बाद मैं आपको बताऊंगा कितनी शानदार बन गई। और जो थोड़ा बहुत आपका हार्ट शेप में होगा उसको पीट के आप बना के पूरी भस्म की जैसे, राख की जैसे एकदम पतली कर लीजिएगा। और ये 15 किलो आपके 100 एकड़ में काम आ जाएगी, आपके किसानों के लिए वरदान है। और इसको बनाने का सीधा सा तरीका है, 200 लीटर पानी आप लीजिए, लगभग पाव भर इसको आप सूती कपड़े में बांध के इसको आप भिगो दीजिए, और 2 से 3 दिन बाद उसका अक्स अपनी ज़मीन पे आप प्रयोग कर सकते हैं, अमृत का काम करेगा। तो पहली बार मैं आपको भस्म रसायन लाइव आपको दिखा रहा हूँ, लाइव किसी ने नहीं दिखाया होगा, पूरी कटोरिया से मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या डाले हैं। तो भस्म रसायन अपने आप में चमत्कार है। मार्केट आधारित खेती से बचिए, आप खुद अन्नदाता है, अपने घर में प्राकृतिक तरीके से बनाइए, जो उन मार्केट वाले मल्टी न्यूट्रिएंट से 1000 गुना ताकतवर है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है और हमारी धरती माता के लिए अमृत समान है। तो अपनी ज़मीन, धरती माता को सुजलाम सुफलाम बनाए, और इसका स्प्रे करते ही आपको चमत्कार देखने मिलेगा और आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। पेड़ पौधों में, फल में, जितनी भी चीज़ों की कमी है बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो प्राकृतिक खेती अपनाइए, क्योंकि देखिए धरती हमारी माता है और हम इनकी संतान है, और प्राकृतिक खेती इनके इसके बीच का राम सेतु है। तो प्राकृतिक खेती अपनाकर अपनी धरती माता को सुजलाम सफलाम बनाए, अपनी धरती माता से और प्रेम करें। जय हिंद।